हरिओम, जय माता दी। मैं योगाचार्य भारती, मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है अष्टम नवरात्र और आज के दिन की जाती है महागौरी की पूजा, यानी कि माँ दुर्गा का आठवां स्वरूप है माँ गौरी। तो महागौरी की कथा आज मैं आपको बताऊंगी और इनका नाम महागौरी क्यों पड़ा यह सब मैं आज आपको बताऊंगी। आज के दिन आप भी इनकी आराधना करें, इनकी कथा का श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं। आप लोगों का हमेशा मंगल होगा, आप सभी हमेशा खुश रहेंगे, आपके घर में हमेशा सुख शांति छाई रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं महागौरी माता की कथा। जय माता दी। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांब धरा शुचि, महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। जय माता दी। यहां से प्रारंभ होती है महागौरी की कथा। माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णता गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि विप्रयहम वरदम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात। नारद पंचरात्र। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव जी के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न ता रहूं कुआरी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। माँ पार्वती जी का यह प्रण था कि यदि भगवान शिव मुझे वर रूप में ना मिले तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्यत फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्मश धूल जाते हैं, उसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप संताप दैत्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान स्मरण पूजन आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनके कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। तो आज के दिन आप सभी भी महागौरी का पूजन कीजिए। माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, आपके सारे दुखों को दूर करेंगी। यही मेरी हमेशा आशा रहेगी। आप सभी के लिए मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के सारे कष्ट दूर हो, आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, आप सभी का मंगल हो, आप सब खुश रहें। हरिओम, जय माता दी।